अब इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए अपना अगला मौजू और अगली बात को हम शुरू करते हैं अगली बात ये कि जो जायज़ और नाजायज हलाल और हराम के बारे में हम सारी बातें देखेंगे इसमें एक बात हम याद रखें कि रोजी देने वाला अल्लाह है रोजी देने वाला अल्लाह है और कुछ चीज़ें हैं दुनिया में जो फिक्स्ड होती है कुछ भी करके चेंज नहीं हो सकती और उनमें से एक चीज़ है मौत का वक्त कि मौत का वक्त है अब कोई कहे कि मैं फला किले में जाके छुप जाऊंगा मैं फला हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जाऊंगा दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स में सामने खड़े हो जाएंगे लेकिन मौत जब आनी है तो आनी ही है कुछ भी करके टल नहीं सकती जो वक्त है मौत का वक्त फिक्स है मौत का वक्त फिक्स है कैसे मरे ये इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया है आपको पता है इसी वजह से सुइसाइड करने वाले के लिए जहन्नम की आँख की सज़ा है सही बुखारी की हदीस और शहीद की मौत मरने वाले के लिए बहुत बड़ा इनाम है क्यों इनाम है अगर ये मौत भी अल्लाह की तरफ से फिक्स है कि शहीद की फला को मौत मिलेगी फलां को सुसाइड की मौत मिलेगी तो अजर और सजा क्यों है अजर और सजा इस वजह से है क्योंकि वो अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया इंसान को कि तुम चाहे तो सुसाइड करके मरो जो हराम मौत है कुफर की मौत है और तुम चाहे तो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान देकर मरो एक अच्छे काम के लिए तो हम देखते हैं कि ये चीज अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है लेकिन मौत का वक्त फिक्स रखा है उसी तरह रिस्क जो मामला है रिस्क सस्टेनेंस रिस्क फिक्स्ड है एक इंसान का जितना रिस्क लिखा है उससे ज्यादा रिस्क मिल ही नहीं सकता हाँ कैसे हासिल करे अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया इंसान को चाहे तो सही तरीके से हासिल करो वही रिस्क चाहे तो गलत तरीके से हासिल करो वही रिस्क हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ताला ने जबरील के जरिए मेरे रूह में बात डाली कि कोई शख्स दुनिया से जा ही नहीं सकता यहां तक आ कि उसका रिस्क वो खा ले जितना रिस्क लिखा है ना उतना कहा जा ही नहीं सकते तो उन्होंने कहा फजमिलूफ तलब अच्छे से ही तो हासिल करो ना जब जितना रिस्क मिलना है उतना ही मिलना है ना तो अच्छे से ही हासिल करो आप समझ रहे हैं पॉइंट जितना रिस्क है फिक्स्ड है वो मिलेगा ही मिलेगा अब वो चाहे तो सही तरीके से हासिल करो चाहे तो गलत तरीके से हासिल करो लेकिन जितना रिस्क है उतना ही मिलेगा कई बार क्या होता है कि कोई शख्स सोचता है कि हराम करके मैं ज्यादा हासिल कर लूंगा गलत चीज करके ज्यादा हासिल कर लूंगा और इसी वजह से लोग हराम चीज करते हैं और कहते हैं कि देखो मैं मेहनत करूंगा तो दस हजार मिलेंगे लेकिन सामने सामने मैं चीटिंग करूंगा तो मुझे दिख रहा है एक आ रहे हैं। ऐसे करूंगा तो दस हजार मिलेंगे गलत करूंगा तो एक आ जाएंगे। कौन जवाब देगा इस बात का सही तरीके से दस हजार दिख रहे हैं गलत तरीके से सामने सामने दिख रहा है कि एक लाख आ रहे हैं। तो सेम रिस्क कैसे कह सकते हैं जी आप बताए उसको इस्तेमाल सिर्फ दस हजार ही कर पाएगा नब्बे दिख रहे हैं उसके नसीब के नहीं है वो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात जो उसके साथ कुछ गलत कर लिया फाइनली पेट में कितना गया दस हजार गया तो जो दस हजार जाना था वो जाके रहेगा उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता तो नबी सलम ने कहा जब ऐसा ही है तो अच्छे ही तरीके से हासिल करो ना जब जितना मिलना है उतना ही मिलना है तो सही करके हासिल करो और सही बुखारी की हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंसानों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें एक शख्स ये फिक्र नहीं करेगा कि उसके पास जो आया हलाल आया हराम आया बस आना चाहिए ये दिखेगा एक वक्त आएगा आज जब हम दुनिया में नजर थोड़ा घुमा रहे हैं तो लग रहा है ऐसा वक्त आ गया है क्या वक्त आ गया है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक ऐसा वक्त इंसानों पर आएगा जिसमें इंसान ये फिक्र नहीं करेगा कि उसके पास जो आया है हलाल आया हराम आया आना चाहिए बस जाना नहीं चाहिए आना चाहिए पैसे आ रहे हैं तब तो तक खुश है वो तो हम ये देखते हैं कि ये मामला है हकीकत और ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सही बुखारी की हदीस है तईसा अब्दुल दिनार व अब्दुल्दरहम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हलाकत है दिरहम के गुलाम की और दीनार के गुलाम की दीनार का जो गुलाम है उसके लिए हलाकत है दिरहम का जो गुलाम है उसके लिए हलाकत है अगर मिलता है तो खुश है और नहीं मिलता है तो नहीं खुश है उसी तरह जो रुपयों के गुलाम की भी हलाकत है और डॉलर्स के गुलाम की भी हलाकत है जो गुलाम है अल्लाह का नहीं जो ग़ुलाम है पैसों का बस पैसा आना चाहिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इस मौजू की अहमियत के मुतालिक मेरे ब्रदर्स इन इस्लाम मैं आपके सामने अहमियत बताने के लिए कि ये मौजू स्टडी करना क्यों ज़रूरी है आपको मैं सिर्फ चंद बातें बताना चाहता हूँ और फिर हम इन इस मौजू के तल्ल से आगे बढ़ेंगे हम ये देखते हैं कि ये मौजूद स्टडी करना क्यों इतना जरूरी है जो लोग आज कहते हैं बोले भाई तजारत करते हैं करने दो ये मौजू क्यों स्टडी करें ये मौजू इसलिए स्टडी करें मेरे भाइयों क्योंकि हमें हलाल चाहिए हमें हलाल चाहिए हराम खाने से क्या होता है बहुत सारे नुकसान होते हैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने फरमाया हर वो गोश जो हराम कमाई खाकर बनता है जहन्नम की आँख का हक है उस पर जहन्नम की आँख का हक है हर उस गोश पर वो घर में पैसे लेके आया घर वालों को खिलाया अब बीवी का भी गोश्त बन रहा है बीवी का भी गोश्त बन रहा है बच्चों का भी गोश्त बन रहा है जो उनकी बॉडी बन रही है वो हराम कमाई से बन रही है तो नबी सनारू औ इस तल्ल सेम बताया कि अगर वो बीवी भी खुश है और बल्कि बीवी भी चाहती है कि वो हस्बैंड जो कर रहा है करे पैसे आते रहे बस अगर ये मामला है तो फिर उसका एक अलग मामला है हाँ अगर उसकी नाराजगी है उसने अपने तौर पर पूरी कोशिश की है और अगर उसे पता है कि गलत चीज़ मिल रही है और वो उसके पास कोई और जरिया नहीं है और जितना सर्वाइवल के लिए ज़रूरी उतना वो बीवी ले ले ताकि वो सर्वाइव हो सके जिंदा रह सके उसके पास कोई और जरिया ना हो अगर जरिया हो तो उसे शोहर की हराम कमाई छोड़ देना चाहिए ताकि वो शौहर के लिए भी डिस्करेजमेंट हो जाए कई बार ऐसे बहुत सारे मर्द होते हैं जो अपने घर की औरतों की वजह से हराम चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि टोटली औरतों का ही मामला है बहुत सारे मर्द ही हैं जिनके अंदर ऐसा होता है कि कुछ भी करके पैसा आना चाहिए तो ये उनकी सोच का प्रॉब्लम होता है लेकिन कई बार उनकी घर की औरतों का भी इसमें कॉपरेशन होता है गलत चीज़ में कॉपरेशन अल्लाह ताला ने कुरान में कहा वला तावनु अल इस्मी वल उदवान गुनाहों और नाफरमानी के कामों में कॉपरेशन कभी मत करना सूरह मादा की आयत नंबर दो है तो कई सारी औरतें हैं जो प्रेशर इतना बिल्ड करती है अपने हस्बैंड्स पर कि देखो शोर पड़ोस में तो ये फ्रिज भी आ गया माइक्रोवेव भी आ गया उनके पास ऐसा टाइप का एल आ गया उनके पास ऐसा फर्नीचर हो गया उनका तो खुद का ये घर हो गया उन्होंने वहां पर भी बुकिंग कर लिए हमारे पास क्या है बच्चों के लिए ये चाहिए बच्चों के लिए चाहिए अब कई सारे मर्द हैं जो प्रेशर 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 अब वो प्रेशर के अंदर बाहर जब निकलते हैं और सामने दिख रहा है कि मेहनत करके दस हजार में लेंगे जिसके अंदर उतनी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी कि बीवी खुश हो जाएगी और गलत करके एक लाख आते दिख रहे हैं आ नहीं रहे दिख रहे हैं लेकिन क्या है मामला हलाल तरीके से जो हासिल करेंगे वो चीज़ में खैर और बरकत अल्लाह की तरफ से आती है और हराम चीज़ से एक इंसान को दुनिया में भी खैर और बरकत नहीं मिलती उसकी औलाद पर भी उस चीज़ का असर होता है जो खाते हैं उस पर असर होता है आप देखिए जो चीज़ जो ग़ज़ा पेट में जाती है उसका असर होता है और क्या होगा और आखिरत में जाकर जहन्नम की आँख का हक़ हो जाएगा उसके गोश पर कितनी ख़तरनाक बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक आदमी है जो सफ़र लंबे सफ़र पर है अश असा अगबरा उसके बिल्कुल बाल बिखरे हुए हैं धूल उसके ऊपर है लंबे सफ़र सफ़र लंबे सफ़र पर है आपको पता है मुसाफिर के ताल्लुक से ख़ास बात क्या है मुसाफिर की खसूसियत यह है ना कि सफ़र में हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो वक्त पर दुआएं खास कबूल होती है लोग जब सफ़र पे निकलते हैं ना तो उन्हें दूसरी बातें सूझनी लगती हैं सफ़र पे जब निकलते हैं तो शहर से बाहर निकल चुके हैं तो हराम चीज़ों की तरफ उनका ध्यान जाने लगता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खास तौर तो पे उस वक्त पे दुआ करनी चाहिए अब ये आदमी के बारे में बताया ये तो लंबे सफ़र पर है नॉर्मल सफर भी नहीं लंबे सफ़र पर है और ऐसा हाल है कि अश असा अगबरा बिल्कुल धूल उसके ऊपर है परेशान हाल है यह मुद्दी आसमान की तरफ अपने हाथों को उठाता है क्या आपको पता है कि दुआ में हाथ उठाने के मुतालिक है कि हाथ अपने सामने उठाएं और अगर शदीद जरूरत है तो आसमान की तरफ उठाना भी साबित है या और वो कहता है या रब्बी या रब्बी दो बार तकरार के साथ करना दुआ रिपीटेशन के, के साथ दुआ करना दुआ की कबूलियत के, के जरियो में से है नबी सलम जब कोई दुआ बहुत शिद्दत से मांगते तो उसे रिपीट करते तो यह शख्स रिपीट कर रहा है या रबी या रबी

जहां अल्लाह ताला ने कहा या तय रसुल रसूलों कुलू मिनत तो यती वमलिहन पाक खाओ और नेक काम करो हकीकत यह है कि दोनों का ताल्लुक है कुलू मिनत तो ये बाती करेंगे तो वह अमल कर पाएंगे पाक चीजें खाएंगे तो नेक काम कर पाएंगे दोनों का कनेक्शन है अब कोई कहेगा कैसे कनेक्शन है तो होता है कनेक्शन जो अल्लाह बताया तो वो बात को हम मानते हैं जैसे मिसाल के तौर पे सर दर्द हो रहा है आप क्रोसिन टैबलेट पी रहे हैं तो पेट में गई पेट में गई लेकिन सर का दर्द हल हुआ तो यहाँ दवा यहाँ गई यहाँ पे हल हुआ तो ये होता है उसी तरह पेट में जो गजा जा रही है वामहन तो निक काम कर पाएंगे अगर अच्छी गिजा जाएगी हम देखते हैं कि आज हकीकत यह है कि मुसलमानों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज में सही रास्ते से भटके हुए हैं बेदीन है दीनदारी से दूर है हराम चीज़ों में मुलविस है हम देखते हैं कि कितनी सारी हराम चीज़ें हैं जो कितनी कॉमन है कितनी बेहयाइयाँ हैं जो कितने सारे घरों में एंटर हो चुकी है कितने सारे गुनाह के काम है लोग करते हैं उन्हें एहसास भी नहीं है हम देखते हैं कि आम तौर पे मुस्लिम माशरा नमाज से दूर है कितने सारे अच्छे कामों से दूर है अब वजहों में से एक वजह ये भी समझ में आती है कि अगर हमारी कमाई सही हो जाए क्लू में न तो ये बात ही अगर हम करने लगे पाक चीज़ें खाने लगे तो मलू सालिहन नेक काम करना आसान हो जाएगा अगर हम पाक चीजें खाएंगे नहीं तो नेक काम करना मुश्किल होगा और यही हकीकत है इस चीज के ताल्लुक से तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसमें बहुत अहम हम सबके लिए एम्फोसिस है कि हमें चाहिए कि हम अपनी कमाई को सही करें अगर हमारी कमाई सही हो जाएगी तो हमें और हमारे घर वालों के लिए वामन करना आसान हो जाएगा नेक काम करना आसान हो जाएगा कई फैक्टर्स है जिससे एक इंसान पर असर पड़ता है एक इंसान जो सही रास्ते पर ताकि वो आगे बढ़े कई चीज़ों से उस पर असर पड़ता है और सही बात तो ये है कि वाम ने काम करने के लिए ये कुल मिनत तो बाती का बहुत अहम रोल है पाक चीजें खाओ उसी तरह इस चीज़ के खतरों में से हम देखते हैं सुनत की हदीस नबी ने कहा हर उम्मत का एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना माल है क्या मतलब हर उम्मत का हर उम्मत यानी हर नबी की जो उम्मत गुजरी वो उम्मत का कोई ना कोई फितना था फितना यानी ट्रायल अब यहां पे मुराद ये है कि कोई एक ऐसा इम्तिहान है जो सबसे बड़ा इम्तिहान है उनका तो हर उम्मत का कोई ना कोई बहुत बड़ा इम्तिहान होता है और नबी वसल्लम ने कहा मेरी उम्मत का फितना माल है बनी इसराइल का फितना औरतें थी नबी सलीस ने हमें बताया बनी इसराइल के लिए सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल इम्तिहान उनका यह था कि औरतों का मसला उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल हमारे लिए भी है हम देखते हैं कि सही बुखारी की हदीस से नबी सलीम ने कहा मा तरक बादी, फितना तन मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा मर्दों के लिए जो औरतों के फितने से ज्यादा नुकसानदेह है इंडिविजुअली मर्दों के लिए कौन सा फितना सबसे हार्मफुल है अदरु सबसे हार्मफुल है औरतों का फितना कौन सी औरतें वो औरतें जो अल्लाह की नाफरमानी करती है जो औरतें अच्छा काम करती है अच्छी उभारती हैं तो नबी एक, एक है, है लेकिन दुनिया की चीजों में सबसे अच्छी चीज एक नेक सौलहे औरत हो खुद भी नेकी के रास्ते पर चले अपने शोहर को भी नेकी के रास्ते पर बढ़ाए तो खैर मत एक दुनिया दुनिया की सबसे अच्छी चीज है तो एक दुनिया के अंदर जो एक औरत है वो सबसे हार्मफुल चीज भी बन सकती है और सबसे अच्छी चीज भी बन सकती है लेकिन इस उम्मत का जब कलेक्टिवली हम देखते हैं इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना जो है वो माल है और आज यही चीज को लोग अंडर एस्टिट करते हैं यही चीज को रिलीजन से डिस्कनेक्ट कर दिए दी, उन्होंने दीन से डिस्कनेक्ट कर दिए कि ये दीनदारी है वो दुनिया है वो दुनिया के अंदर दीन नहीं आएगा दीन में दुनिया नहीं आएगी ये इस तरह का डिसकनेक्शन उन्होंने पैदा कर दिया हालांकि हम देखते हैं कि इस्लाम ये सिखाता है कि दुनिया में कैसे अच्छी तरीके से रहना है माल कमाना है तो कैसे अच्छी तरीके से कमाना है कैसे हलाल तरीके से कमाना है वो रहनुमाई हमें कहाँ मिलेगी हमें इस्लाम में मिलेगी तो इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल है और मेरे ब्रदर्स इन इस्लाम जब नजर घुमा के देखते हैं ना तो आज दुनिया के ऊपर जो सबसे ज्यादा असरदार चीज है वो यही चीज है आज जिस तरह से ट्रेड कॉमर्स इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ है किस तरह से इंडिविजुअल लाइव पर इंफिदी जिंदगी पर ये चीज़ों का दुनिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स का असर पड़ता है

मान नबीन व सिद्दीकीन व शुहदा एक ताजर जो सच्चा हो अमानत दार हो वो नबियों के साथ होगा सिद्दीकीन के साथ होगा शहीदों के साथ होगा अल्लाह अकबर एक ताजर अगर सच्चा अमानत दार और सच्चा इस्लामिक प्रिंसिपल के मुताबिक तजारत करने वाला शख्स हो उसके पास कितना बड़ा पोटेंशियल है अकबर वो नबियों के साथ होगा कैन यू इमेजिन हम सब सोच सकते हैं के मिसाल के तौर पे सारे नबियों की कंपनी बीच में एक, है। शहीदों के बीच में एक है। मैं, मैं मैन था वो बिजनेस और ताजर होने के नाते वो पहुंच रहा है नबियों की कंपनी में और ये हदीस सही सन्नत से है मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कुछ निकी के कामों में उभारने के लिए लोगों को झूठी और मनघड़ बातें बोलते हैं तो इसी वजह से हम हर हदीस जो इस

दुनिया में उसे खैर और बरकत भी मिलेगी बरकत ये बरकत का कंसेप्ट क्या है आज बहुत सारे लोग जो है ना दुनिया के अंदर बरकत के कंसेप्ट को भूल गए हर चीज सिर्फ नंबर्स में होती, नंबर्स। नंबर्स जो होती है वो जाहिर होती है बरकत एक बातिन चीज है छुपी हुई चीज है बरकत लफ्ज बिरका से आता है बिरका वो पॉइंट को कहते हैं जिसमें बहुत सारा पानी हो तो बरकत के अंदर मतलब ये है कि कम में ज्यादा का फायदा कम में ज्यादा का बेनिफिट ये क्या है देखिए एक बात समझें और हम सब ये दुनिया के अंदर अपने तजुर्बों से जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि पैसे थोड़े हाथ में होते हैं लेकिन ज्यादा काम हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है बहुत सारे पैसे खर्च हो गए कहाँ गए समझ में नहीं आ रहा है तो हम ये देखते हैं कि बरकत का कंसेप्ट ये है कम में ज्यादा का फायदा सही बुखारी की हदीस है नबी सलम ने फरमाया अलबाने बिलखियार बेचने और खरीदने वाले के पास इख्तियार है मालम या तफरखा जब तक दोनों अलग ना हो जाए फाइन सदा का अगर सच कहेंगे एक दूसरे का भला चाहेंगे वो का लहुमा फी बिमा तो उनकी उस तिजारत में बरकत आ जाएगी बरकत कैसे आती है सच्चाई से आती है अमानत दारी से आती है सही चीज़ करने से आती है गलत रास्ता लेने से बरकत नहीं आती है तो बरकत का कंसेप्ट क्या है कि कम के अंदर ज़्यादा का फायदा देखिए एक मिसाल में बताता हूँ हम पुराने बूढ़े लोगों से सुनते हैं जो वो बताते हैं कि हमारे जमाने में तो हम लोग इतना कमाते थे और पूरा घर खाता था आज इतना इतना कमाते हैं फिर भी खर्चे पूरे नहीं होते हैं तो ये इन्फ्लेशन की वजह तो है ही लेकिन उसके अलावा एक वजह हमें ये भी दिखाई देती है कि उस जमाने में हराम चीजें इतनी आम नहीं होती थी आज जिस तरह से होने लगी है, तो बरकत का कंसेप्ट उस जमाने के लोगों की अर्निंग्स में बरकत थोड़ी ज्यादा हुआ करती होगी एक बात दिख रही है बाजार अल्लाह बेहतर जानता है तो मेरे ब्रदर्स इन इस्लाम ये बरकत का भी कंसेप्ट है कि कैसे चीजें पूरी हो जाए कम में ज्यादा का बेनिफिट हो जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ के मान लीजिए कि जैसे एक गाड़ी है जो रोड से ऑफ ट्रैक हो गई अब बाहर रोड से हट गई डिच में चली गई बाहर रोड से साइड पर उतर आई अब दस लोग जाके खींच रहे खींच रहे गाड़ी आ ही नहीं रही रोड पर दो पहलवान आते हैं आते हैं गाड़ी को उठा करके रोड पर रख देते हैं तो हम कहेंगे कि दो बेटर रहे कि दस बेटर रहे दो बेटर रहे कम में ज्यादा का फायदा यह है बरकत का कंसेप्ट और बरकत कैसे मिलेगी हलाल कमाई से मिलेगी हराम चीज़ें करके बरकत नहीं मिलने वाली कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को मालूम ही नहीं है वो हराम चीज़ कर रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है आज बहुत सारे लोग हैं जो हराम चीज़ कर रहे हैं उन्हें मालूम भी नहीं है हराम कर रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो सूद को बिल्कुल अच्छा समझते हैं बहुत सारे लोग हैं जो बैंक्स के जॉब्स को बहुत अच्छा समझते हैं हकीकत है कि तो फैक्ट ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल गर्व की बात समझते हैं मेरा बेटा तो बैंक में काम करता है इंश्योरेंस कंपनी में लेकिन क्या बैंक का जॉब सही है क्या इंश्योरेंस कंपनीज का जॉब सही है हम इंशाल्लाह उसे बहुत डिटेल में देखने वाले हैं सही बात तो यह है ये सही नहीं है और इसके बहुत सारे दलाल देखने वाले हैं दोनों तरीके से एक इस्लामिक प्रूफ्स के साथ दूसरा स्टैटिस्टिकल और लॉजिकल एविडेंसेस के साथ जिससे कोई नॉन मुस्लिम भी समझ सकता है कि बैंक का जॉब एक्चुअली बहुत बुरा जॉब है हम ये देखेंगे कि ये सचमुच एक बहुत बुरी चीज है तो आज बहुत सारे लोग हैं जो हराम चीज को सही समझ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सूद सूद तो हराम है मैं सूद में डीलिंग नहीं करूंगा लेकिन वही सूद जब नाम बदल करके आ जाता है भेज बदल करके सामने आता है लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं और वो सूद जिससे वो इतनी नफरत करते हैं वही सूद का काम खुद कर बैठते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कितनी सारी ऐसी केसेस और मिसालें हैं हम जब सूद का टॉपिक स्टडी करेंगे इन तो हम एक पूरी लिस्ट ड्रा करने वाले हैं कि सूद किन किन नामों से आज आ रहा है किन किन नामों से सूद आज आ जा रहा है एक तो सूद नाम से आता है इंटरेस्ट कई बार हम देखते हैं कभी डिस्काउंट के नाम से आता है तो कभी प्रॉफिट के नाम से आता है कभी डिपॉजिट के नाम से आता है कई सारी इसकी शक्लें हैं कई सारे वेज है जैसे वो डिस्गाइज हो जाता है तो यहां पर एक बहुत जरूरी बात है कि जैसे दुनियाई मामला में लोग समझदार हैं भाई लोग बोलते हैं कि हमारे दादा परदादा पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या हुआ हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे कोई आज तक आपको ऐसा मिला है मुझे तो नहीं मिला जो कहे कि मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे अंगूठा छाप थे इसी वजह से मैंने भी सोचा मैं उनके ही रास्ते पर चलूंगा मैं दादाजी के रास्ते पर चलूंगा और मैं भी पढ़ने लिखने वाला नहीं हूं मुझे भी अंगूठा छाप बनना है हम देखते हैं कि नहीं होता ऐसा दुनिया में जो लोग खुद पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं ना तो उनकी तमन्ना होती है मेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊं लिखाऊं तो दुनियावी चीज़ों में तो लोगों को एहसास है क्यों एहसास है क्योंकि दुनिया का लॉस होता है ना तो सामने सामने लॉस होता है और यहाँ का लॉस बहुत कीमती है दुनिया बहुत कीमती है दुनिया का लॉस बहुत कीमती है लेकिन सही बात यह है कि ये भी चीज सीखने की चीज़ है इस चीज़ के तालु से भी हमें इल्म हासिल करना चाहिए हमें स्टडी करना चाहिए हम यह देखते हैं कि जिस तरह से हमारा अकीदा हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से उसके ताल्लुक से हमें सही बात सीखनी चाहिए कि अल्लाह ताला कौन है अल्लाह ताला की तौहीद वाहदानियत जो ला है वो कैसे बरकरार रखें हम अल्लाह ताला की इबादत कैसे करें ऐसी इबादत जिससे वो खुश हो जाए कौन सी वो इबादत है जिससे वो राजी होगा कैसे करना है तो जैसे हम देखते हैं कि हमें इतबा करनी है पैरवी करनी है मोहम्मद की तो हमें अकीदा सीखना है हमें इबादत सीखनी है लेकिन लिस्ट वहाँ पर रुक नहीं जाती अब आगे भी देखना है हमें देखना है कि तजारत कैसे करें अगर आप ताजर हैं खरीदो फरोख से आपका ताल्लुक है तो उसके उसूल उसके रूल्स मालूम होने चाहिए हमें हमारे लिए लाजम है क्यों क्योंकि जो चीज एक इंसान कर रहा है उसे वो चीज का इल्म होना चाहिए